सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या ऐसा हुआ जिस वजह से आज की जो PIL है उस पर जो डिसीजन हुआ वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ। देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी बात तो आपको मैं बताता हूँ कि 31 मई को आपको फैसला मिलेगा। 31 मई को मंडे को मॉर्निंग में 11 AM आपको फैसला मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। दूसरी आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। दूसरी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो आ रही है, वो गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि कोर्ट आपके सपोर्ट में ही फैसला लेगा, क्योंकि जो एडवोकेट ममता शर्मा, एडवोकेट अनुभा मैम है, उन्होंने क्योंकि आज की जो पूरा अटेंड किया था, मतलब खुद ने ही वो केस को पूरे को जस्टिस किया था, पूरे केस को हैंडल किया था, तो उनका कहना है कि कोर्ट आपके सपोर्ट में ही फैसला लेगा। ये आप सभी टेंशन दिमाग से निकाल दो कि आपके अगेंस्ट में फैसला होगा, आपके सपोर्ट में ही फैसला होगा। स्टेट बोर्ड को फैसला बदलना पड़ेगा, मतलब स्टेट बोर्ड और एजुकेशन मिनिस्टर को अपना फैसला बदलना पड़ेगा, मतलब आपके एग्जाम ऑफलाइन मोड से होने के बहुत कम चांस है। सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में ही डिसीजन देगा 31 तारीख को, मतलब सुप्रीम कोर्ट आपके सपोर्ट में। सबसे अच्छी न्यूज़ आपके लिए ये है। अगर मैं बात करूं कि क्यों ये कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लॉयर है ये, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेड जज वगैरह को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैकल कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास में उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इनकी बातें सही है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस देखे तो इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आपके ही फेवर में डिसीजन देगा, तो अब आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा 31 तारीख को, वरना CBSE उससे पहले डिसीजन दे देगी। आज की वीडियो में तब तक फिर सेफ रहो।